करनाल से बड़ी खबर आपको बता दें, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ब्लैकमेलिंग कांड से पर्दा उठा के आरोपी ने विदेशी नंबरों से वीडियो भेजे थे। 3 दिन के पुलिस रिमांड पर दोनों आरोपी, नगर निगम में ठेकेदार से रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई थी। मामले की जांच डीसी ने एडीसी को सौंप दी है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार को पत्र भी लिखा गया है। ये तस्वीरें वायरल हुई थी। इन तस्वीरों के वायरल होने से पहले वायरल किए जाने की धमकी भी दी गई थी। तो वायरल हुई, उसके बाद कई तरह के सवाल उठे। अब मामले से पर्दा उठा के क्या है पूरा मामला, ये अब लगभग साफ हो चुका है। हालांकि डीसी की ओर से एडीसी को जांच के आदेश दिए गए हैं। इसमें 17 तारीख को थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज हुआ था। हमें कंप्लेंट मिली थी, जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं यहाँ के नगर निगम के, दीपक किंगर जी, उन्होंने एक कंप्लेंट दी थी जिसपे मुकदमा दर्ज हुआ था। कंप्लेंट ये थी कि कोई अननोन नंबर से उनके पास कोई लड़का वीडियो भेज रहा है लेन देन की, और उसको धमकी दे रहा है कि हमें पैसे दे दो अदरवाइज ये वीडियो वायरल कर देंगे। तो उस पर हमने मुकदमा दर्ज किया था, और फिर उसकी तफ्तीश के दौरान हमने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। एक लड़का इसी ऑफिस में काम करता है जो सन्नी है, कैथल का रहने वाला है, और दूसरा लड़का उसका दोस्त है। नगर निगम के एससी हैं दीपक किंगर जी, उनके पीए जो हैं वो कुछ लोगों से पैसे ले रहे थे और उसका वीडियो वायरल हुआ था, और इस वीडियो के बिहाफ पे कुछ एम्प्लॉइज़ ने उनको ब्लैकमेल करने की धमकी दी, जिसके तहत पुलिस में मुकदमा भी दर्ज किया गया। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक स्मार्ट सिटी का कंप्यूटर ऑपरेटर भी है। हमने उसकी सेवाएं तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट कर दी हैं और वो अभी हिरासत में है। साथ ही जो पीए है एससी का, जो बेसिकली पैसे लेते हुए वीडियो में दिख रहा है, उसको भी सर्विसेज टर्मिनेट करने के लिए नोटिस दे दिया गया है, और इसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। प्राइमा फेसी ये अपीयर होता है कि कहीं ना कहीं जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं उनका ऑफिस भी इसमें इन्वॉल्व था, तो सरकार को उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है। करनाल की डीसी को आपने सुना। करनाल से हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग फोन लाइन पर गए। हिमांशु, हालांकि डीसी को भी हमने सुना, क्या कुछ कार्रवाई हुई ये भी बताया गया, लेकिन क्या थी रिश्वतखोरी का, ब्लैकमेलिंग का पूरा खेल, आपसे समझेंगे। देखिए, नगर निगम है और नगर निगम ही टेंडर देता है तमाम ठेकेदारों को कि सड़क बनानी है, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बनाना है, और जो वो वीडियो सामने निकल कर आए हैं उसमें जो एससी है यानी कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है दीपक किंगर, उनके पीए विकास शर्मा पैसे लिखते हुए नजर आ रहे हैं। जिनसे पैसे ले रहे हैं वो ठेकेदार है। जब काम कर लिया जाता है उसके बाद जो बिल पास करवाना होता है उसके एवज में वो रिश्वत दे रहे थे या कोई और मामला था। हालांकि प्राथमिक जांच में रिश्वत ही निकल कर आ रही है, लेकिन पैसे देते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद जो 2 लड़के गिरफ्तार हुए हैं, शुभम और एक साहिल, जो शुभम है वो वहां पर डीटी रेट पर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था। वो चाहता था कि जो रिश्वत के पैसे आ रहे हैं उसकी तरफ से कहा गया है कि उसमें हिस्सा हमें नहीं मिल रहा था, और हिस्सा नहीं मिल रहा था इसके चलते वो उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उन्होंने एससी के दफ्तर के अंदर ही कैमरे लगा दिए, और उसके बाद इंग्लैंड का नंबर लेकर, क्योंकि इंग्लैंड उनका दोस्त रहता था, वहां से नंबर लेकर उन्होंने पंजाबी में ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया ताकि ऐसा लगे कि कोई और इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है कि आपकी वीडियो जो फुटेज है, ऑडियो जो फुटेज है वो हमारे पास आ गई है। फिलहाल 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं जो ब्लैकमेल कर रहे थे, शुभम और साहिल। 3 दिन का रिमांड लिया गया है, टर्मिनेट करने को कह दिया गया है, नोटिस दे दिया गया है विकास शर्मा को, जो इसमें पैसे लेता हुआ नजर आ रहा है, जो एसपी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर दीपक किंगर का पीए है। और साथ ही साथ सरकार को एक पत्र लिखा गया है कि इस पूरे मामले में जो नगर निगम का एससी का दफ्तर है वो इन्वॉल्व है, ऐसे में एससी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। 7 दिन के अंदर इस पूरे मामले की जांच करने के लिए कहा गया है एडीसी को। एडीसी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, और इस मामले में कुछ और खुलासे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो हिमांशु, ये पूरी तरह से साफ है कि एससी तक भी अब जांच की आंच पहुंचेगी, उनके खिलाफ भी जांच होगी? जाहिर सी बात है, क्योंकि डीसी उपायुक्त खुद बताते हुए नजर आ रहे हैं कि प्राथमिक जांच जो सामने निकल कर आई है वो जो पैसे हैं, क्योंकि एक दफ्तर के अंदर, एक सरकारी दफ्तर के अंदर इस तरीके से
नोट गिनना, पैसे गिनना, और कई वीडियो आए हैं। अभी तो मीडिया के सामने 2 से 3 वीडियो आए हैं। लेकिन जो आरोपी हैं, जो ब्लैकमेल कर रहे थे शुभम और साहिल, उन्होंने पुलिस को बताया कि ऐसे तकरीबन 50 वीडियो हैं जिसमें इस तरीके से पैसे लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एसपी दीपक किंगर के खिलाफ भी इसमें जांच बनती है, तभी करके जो उपायुक्त है निशांत यादव, उन्होंने सरकार को पत्र लिखा है कि ऐसा ऐसा एक मामला संज्ञान में आया है, इसमें ये वीडियो है, ये ऑडियो है, ये शिकायत है, और ऐसे में दीपक किंगर का जो पूरा ऑफिस है वो इसमें इन्वॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बार उन्हें या तो सस्पेंड किया जाए या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ जांच बिठाई जाए, और वहाँ चंडीगढ़ से क्या ऑर्डर निकल के आता है इस मामले में वो भी देखने वाली बात। बिल्कुल हिमांशु, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी आपने दी। करप्शन को लेकर सरकार का प्रयास है और सरकार का दावा भी है जीरो टॉलरेंस का, लेकिन सरकार के विभागों से जुड़े अधिकारी या फिर उनसे जुड़े लोग ही सरकार के दावों को पलीता लगाने में जुटे हैं। ताजा मामला करनाल से, हालांकि मामले में जांच जारी है।